और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं भलसवा थाने के बाहर और यहां पर लोगों का चल रहा है बड़ा प्रदर्शन। लोगों से जानते हैं क्या है प्रदर्शन का कारण। तो माताजी, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। अपना नाम जानना चाहेंगे। ज्ञानो, ज्ञानो जी, क्या हुआ है, किस वजह से यहाँ पे प्रदर्शन? अपना भाई का थोड़ा मिलन जाए तो अस्पताल में गोली लग रही, मेरा कभी गोली मारी, दो गोली मारी। किसने गोली मारी है? बोने ने, बोने ने, बोने ने, सोनू नर बोने ने, मुकेश बोना। ये कौन है बोना, क्यों गोली मारी गई है? मुकंदपुर में पूरी गैंग है, मुकंदपुर के अंदर पूरी गैंग है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अपना जा भी उनके साथ है, अपना जा भी उनके साथ है। और मुकेश बोना, विक्की, चिट्टी, मनीष, इन्हें सबने गोली मारी। और कल्पना झा का भी हाथ है उसमें। और ये सीधे तौर पर कल्पना झा जो की यहाँ की निगम पार्षद है, उनका भी नाम इस पूरी वारदात के अंदर ले रहे हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर एक गैंग है जो बोना गैंग, वो सक्रिय है, वो लोगों के साथ इस तरह की वारदात करता है। सोनू, क्या वजह, क्या वजह, क्यों? सबका सबका गुंडागर्दी करता है, प्लॉट कब्ज करता है, गुंडागर्दी करता है, नकली कागज बनवाता है और नकली कागज बनाता है, प्लॉट पर कब्जा करता है और फिर जो कोई बोलता है तो उसको गोली मारते हैं। कैसे ऐसा पहले भी कभी हुआ है? रातों रात चिनाई करवाता है और हमारी ईंट भी लगा ली उन्होंने, बोने ने, और चक्कू दिखाता और बंदूक चला देता है। यहाँ पर कुछ पुरुष लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे, क्या पूरा मामला है, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? ये तो काफी दिन सालों से चलता आ रहा है जी, ये तो इसका गुंडागर्दी, वसूली, सब कुछ, कब्जा। तो तीन चार दिन पहले एक आदमी अभी तो सरोज नर्सिंग होम में है, उसमें वो अभी बेहोश है, उसकी तो गोली अभी निकली भी नहीं है। और कल परसों फिर उन्होंने गोली चला दी, जो भी दिखा उसकी तरफ, उसी से लड़का मिलने जा रहा था हॉस्पिटल कल और उसी को गोली मार दी। अच्छा, आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको पुलिस से कोई शिकायत है? किस वजह से पुलिस से? क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं है अब तक, ना वो गिरफ्तार हुआ ना पकड़ा गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। हम ई रिक्शा चलाते हैं, अपने बच्चों को रोटी वोटी खिलाते हैं और मुझसे हर महीने का 600 रुपया मांग किया था। हाँ, ये चिट्टी है और अमन घोड़ा। हाँ, और हमने देने से इनकार कर दिया तो धमकी देते हैं लोग। हाँ, जो तुम्हारे रिक्शे में आग लगा देंगे, रिक्शा तोड़ देंगे। हाँ, तो अभी हमने तो फिर विधायक जी के पास गए, हाँ, वहाँ कंप्लेंट किए तो इस महीने से रुक गया। अब तो वसूली करी जाते जनता बिहार में, पैसे नहीं देते तो मारते हैं जबरदस्ती करके। अच्छा, कौन है ये, कौन सा गैंग है जो सक्रिय है? ये गैंग चिट्टी नाम का लड़का है कोई, यही बस, यही बस चिट्टी नाम है, चिट्टी, यही वसूली करते, नहीं देते तो मारते हैं, रिक्शे पे उतार उतार के डंडो से आग फोड़ देते, किसी की कुछ कर देते हैं। मेरा नाम सोनू सिसोदिया, मैं मुकंदपुर गाँव में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, आपके साथ भी कोई वारदात? मैं उस टाइम पे गाड़ी चलाता था, वो पैसे वसूली करते हैं, पैसे मांग रहे थे गाड़ी होगी, तो मैंने मना कर दिया, तो उसी कारण उन्होंने ये किया। क्या किया था? मेरे पाँव में पत्थर मारा और मेरे पिस्टल लगा दी थी दो जनों ने, जब जाकर मेरी टांग तोड़ी थी, बकायदा पीसीआर के सामने टांग तोड़ी थी, पुलिस वालों के सामने मेरी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तीन साल हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या वजह है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस पूरा पैसा खाती है उनसे, बिल्कुल पूरा। मेरा नाम दीपक है जी। कैसे ये चोट लगी इसके बारे में? जी, हम रात को अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, पीछे से गाड़ी आई, उन्होंने उतरे वहाँ से गाड़ी देने लगे वो लोग। अच्छा। वो बस के अंदर घुसे, फिर हमारे चक्कू मारने चालू कर दिए उन लोगों ने। कौन लोग थे? बोना था, चीटी था, मयंक था, विक्की था, मनीष था, ये सब लोग थे। क्या गुंडागर्दी करते जी, खुली करते जी। क्या क्या वजह है जो पुलिस कार्यवाही नहीं करी, क्या आपको लगता है इसके पीछे? बस पैसा भर दिया जाता है और कुछ नहीं है जी, नोट शोट फेंका, मोटा नोट फेंका जाता है, छोटा मोटा नहीं है। तो सीधे तौर पर पुलिस पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि पुलिस पैसे खा रही है, बताइए इस पूरे मामले में क्या? पुलिस हमारा इस मामले में कोई भी साथ नहीं दे रही और यहाँ पे इनको पुलिस को पैसा मिल जाता है और यहाँ पे गोली बदमाशी खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, खुलेआम हमारा कोई साथ नहीं दे जा रहा है और नकली कागज बनवा के और जमीनों पे कब्जा हो रहा है वहाँ पे, खुलेआम गुंडागर्दी। आप ये जो जमीनों की बात बता रहे हैं, कहाँ की जमीन है? मुकंदपुर गांव मुकंदपुर की जमीन है ये, जमींदारों की, उन पे कब्जा किया जा रहा है, खुलेआम बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी, सट्टा चलाया जा रहा है। निगम पार्षद का नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है? इसमें निगम पार्षद का नाम भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये हो रहा है, अभी तक निगम पार्षद का कोई वो नहीं कि यहाँ पे आए हम, काफी टाइम हो गया, 4-5 घंटे हो चुके हैं, मैं यहाँ पे आए, निगम पार्षद कोई वो नहीं, निगम पार्षद का भी इसमें हाथ है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये यहाँ पर जो पुलिस है वो पैसा खा रही है, जिसकी वजह से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन संदीप रानीवाल के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।